नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कार्यक्रम श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना जावेद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा को भी शपथ दिलाई। कांग्रेस ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है, उनका कोई भी विधायक मंत्री नहीं बनेगा। हालांकि उमर सरकार को कांग्रेस समर्थन करती रहेगी। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता पहुंचे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल सहित करीब 50 वीआईपीज को नौता भेजा था। हालांकि केजरीवाल नहीं पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद संभाल लिया है। सीएम बनते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को निर्देश दिया है कि उनके काफिले की वजह से किसी आम जनता को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सड़क के रास्ते जाते समय उनके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर ना बनाया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैंने डीजी से बात की है कि जब मैं सड़क मार्ग से कहीं भी जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर ना बने या यातायात ना रुके। मैंने उन्हें सार्वजनिक असुविधा को कम करने और साइरन का उपयोग कम से कम करने का निर्देश दिया है। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.